हेलो स्टूडेंट्स, मैं लीना एजुकेशन वर्ल्ड दे ऑफिशियल चैनल एजुकेशन वर्ल्ड ईडब्ल्यू ते तुहाडा सब का स्वागत करती हूँ। सो आज मैं कुछ एमसीक्यूज लेके आई हूँ पंजाब की हिस्ट्री ना रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के नाल। क्वेश्चन फर्स्ट है कि पंजाब नूं ब्रिटिश रूल विच कदों शामिल कर लिया गया सी, यानी कि ब्रिटिश ने कदों पंजाब नूं अपने कब्जे च ले लिया सी। सो वदी ऑप्शन देखो, हाँ जी गैस करन दी कोशिश करो, फिर मैं जवाब भी दस दांगी इहदा जी। 1849, ठीक है। एंड जे गल करिए ब्रिटिश रूल ने जो कंट्रोल किया उस वेले किन्ने किया सी, लॉर्ड डलहौजी जो कि उस वेले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सी। सो लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। अगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैन वॉज द ट्रिटी ऑफ अमृतसर हेल्ड। सो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो असी देखिए तो यह जी ट्रिटी अमृतसर की है सू इंडीकेट कर रही है महाराजा रणजीत सिंह की ट्रिटी वाल। सो ए वाली ट्रिटी महाराजा रणजीत सिंह की हुई सी ब्रिटिश नाल, कदों हुई सी गैस करो जी। एद आंसर है ट्रिटी ऑफ अमृतसर 1809, 1809 च हुई सी। एग्जैक्ट डेट दस दिनी है, 5 अप्रैल में हुई सी, 25th, ठीक है, 5 अप्रैल में हुई सी। तो किदे विच साइन हुई सी, अदित भी क्वेश्चन बन जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह ते किदे केड़े ब्रिटिश उस वेले सी एडमिनिस्ट्रेटर विच जिदे विच साइन हुई सी। सो दा नाम लिख लो लॉर्ड चार्ल्स मेटकाफ दे नाल ए ट्रीटी जड़ी सी हुई सी, ठीक है। अगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वाल, क्वेश्चन नंबर असी आ गए थर्ड टे, ठीक है। सो क्वेश्चन है इन विच ईयर एसजीपीसी वाज एस्टैब्लिश्ड इन पंजाब, यानी कि एसजीपीसी तो मतलब श्रीमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कदों एस्टैब्लिश हुई सी जी, या करवा चुके हैं अपना सब। आंसर दियो इहदा, इहदा आंसर है 1920 विच हुई सी। एग्जैक्ट डेट दस दिनी आ, 16 नवंबर 1920 विच एस जी पी सी की स्थापना हुई सी। एक होर क्वेश्चन जो करंट अफेयर से लैके जाइए तो इस वेले जड़े एस जी पी सी है वो प्रेजिडेंट कौन ने। सो उन्हां दा नाम है बीबी जगीर कौर, ठीक है। अगे चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन वाल, द फर्स्ट सिख रूलर ऑफ पंजाब वाज। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिख रूलर कौन हुए ने, सबनों आना चाहिए महाराजा रणजीत सिंह। बहुत सौखा क्वेश्चन सी है। तो अगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है गुरु नानक देव जी का जन्म कदों होया सी। क्वेश्चन बहुत सौखा वै पर होंदा उदो है मुश्किल जो ऑप्शन आ जाए ने जी। एदा आंसर दो, सही आंसर एदा ऑप्शन सी 1469। गल करिए तो पूरी डेट दस दिनी है, 15 अप्रैल 1469, ठीक है। एंड इन्हों का बर्थ होया सी कत्तक दी पुन्या नू होया सी। एक होर पूछ लेंदे ने कित्थे होया सी, राय भोई दी तलवंडी जिन्हों कि असी अजकल ननकाणा साहब के नाम तो जानते हैं, ठीक है। अगे चलते हैं, हु स्टैंडराइज गुरमुखी जी, अभी असी कर चुके हैं पहला सारा करवाए हुए टॉपिक। इहदा आंसर है श्री गुरु अंगद देव जी। अगे चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन वाल, नैक्सट क्वेश्चन है हु बिल्ट बठिंडा ऑफ पंजाब जी। ए क्वेश्चन द आंसर बठिंडा जी। एद आंसर है पट्टी राव दे नाम तो, पट्टी राव फाउंडर सी बठिंडा दे। सो ये गैस लगाना चाहो तो लग सकता है पट्टी राव, ठीक है, बठिंडा दी स्थापना करने वाला बनाने वाला। उस तो नेक्स्ट है सिख एम्पायर वाज फाउंडेड बाय जी। फिर तो क्वेश्चन ट्विस्ट करके पाता है जी, महाराजा रणजीत सिंह जी। केड़ी मिसल तो बिलोंग करते सी, इहदे ते क्वेश्चन आ जांदा है शुक्र चक्किया मिसल। ते जे क्वेश्चन आ जाए कि शुक्र चक्किया मिसल दे फाउंडर कौन सी जी, बुद्ध सिंह। ए भी क्वेश्चन आ जाता कि महाराजा रणजीत सिंह का बचपन का नाम की सी, फाउंडर के नाम तो ही उन्होंने नाम रखा गया सी बुद्ध सिंह। उन्होंने अगे फॉलो किया सी नौद सिंह, ठीक है। उस तो अगे कौन सी, चढ़त सिंह, महाराजा रणजीत सिंह के दादा जी सी चढ़त सिंह।
उस तो अगे फिर कौन सी? महा सिंह, महाराजा रणजीत सिंह दे फादर साहब महा सिंह, अगे महाराजा रणजीत सिंह। सो है ऑर्डर याद रखना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। अगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वाल। अंजुमन ए मेहरबान ए वतन रिलेट कर दिया केड़े पर्सन नाल? जी एदा आंसर है सरदार अजीत सिंह, जो कि शहीद भगत सिंह दे चाचा जी सी। सो आंसर एदा। एंड जन दी गल करिए, अंजुमन ए मोहिबान है की सी? एक सोसाइटी सी, अंजुमन ए मोहिबान सोसाइटी सी, जिहड़ी कि सरदार अजीत सिंह वल्लों शुरुआत कीती गई सी। ते ऐ जिहड़ी सी, मैं तुहानूं दस दिनी थोड़ा जिहा एक विवाद चलिया सी। विवाद की इन्हां ने विरोध किया सी, सरदार अजीत सिंह ते लाला लाजपत राय जी ने, ठीक है, विरोध किया किदे वास्ते सी? दो नहरां, एक्चुअली ब्रिटिशर्स जिहड़े सी बहुत ज़्यादा टैक्स लगान लग पे सी। दो रिवर्स की गल करिए, चनाब, ठीक है, एक होर है बारी दुआब। बारी बारी दुआब तो की भाव हुंदा पहले तो मैं दस दिनी हाँ। ब तुसी गल करदे आ ब्यास दी, ठीक है, ते री तो रावी। सो यह दो दरियावां दी विचली धरती नूं कहिंदे आपां बारी दुआब। सो है कि सी ब्रिटिशर्स जिहड़े सी इहदी सिंचाई नूं लै के रिवर ते इन्हां ने बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिता सी। सो सरदार अजीत सिंह ते लाला लाजपत राय ने इस सोसाइटी दे अंडर ही इहदा विरोध किया सी ब्रिटिशर्स दे खिलाफ। जे तुहानूं थोड़ा जिहा ध्यान होवे, इन्हां नूं अजीत सिंह जी नूं ते लाला लाजपत राय जी नूं मंडले दी जेल विच वी भेजा गया सी, ठीक है, सही याद रखना। आगे चलते हैं। वेन आर्यन केम टू इंडिया हाउ मैनी रिवर्स वर देयर इन पंजाब? जी आर्यन जदों आए सी किन्नियां नहरां सी? बहुत बारी कर चुके हैं आपां, दस्या सी मैं। इहदा आंसर है सैवन रिवर्स। सैवन रिवर्स किहड़ियां ने? एक वारी दस दिनी हाँ, सिंधु, रावी, सतलुज, ब्यास, जेलम, सरस्वती, दिख रहेगी चनाब। सो यह सत नदियां सी, रिपीट कर लेने, सिंधु, रावी, सतलुज, ब्यास, जेलम, चनाब अते सरस्वती, ठीक है। अगले क्वेश्चन ते चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्यारहवां क्वेश्चन। द लैंड ऑफ सैवन सीज, यानी कि सत्तां दरियावां दी धरती नूं किहड़े नाम नाल जाणिया जांदा सी? जी एनी गैस? रिच टोटली कन्फ्यूज कीता होया स्पैलिंग्स नूं लैके। सो देखो गैस करो। जी इहदा ऑप्शन हैगी है बी, सप्त सिंधव। एग्जैक्ट सप्त सिंधव, वैसे तो सप्त सिंधु भी लिखा होया पर वो नहीं सही, सप्त सिंधव संस्कृत का वर्ड है, सप्त सिंधव। अगे चलते हैं। पीपल एक्सक्लूडिड वन रिवर फ्रॉम सैवन रिवर, आइडेंटिफाई इट? जी इहदा आंसर है इंडस। अगे चलते हैं। जी अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी सिख वॉरियर्स फाउट एट द बैटल फील्ड ऑफ मुक्तसर इन 1705? जी मुक्तसर की जो लड़ाई हुई थी किन्ने सिख जो सेनानी से उन्होंने भाग लिया? बहुत आसान है आंसर, इहदा आंसर है 40, जिन्हां नूं 40 मुक्तियां दे नाम नाल भी जाणिया जांदा है। अगला क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ पंजाब इज नोन एज द लास्ट बैटल फील्ड ऑफ गुरु गोबिंद सिंह? जी वो कि लड़ाई सी जी गुरु गोबिंद सिंह जी की आखिरी लड़ाई सी? अभी असीं कर चुके हैं पहला दस्या होया मैं। जी मुक्तसर की लड़ाई, मुक्तसर जी जिन्हों खिदराने की ढाब भी कहा जाता है। अगे चलते हैं 15वें क्वेश्चन वाल। Which Sikh woman led the Sikh soldier against the Mughals in 1705? जी ये भी बहुत आसान है, वो केड़ी औरत सी? बहादुर वीरांगना सी जेड़ी जिन्होंने के सिखां नूं मुगलां दे अगे खड़ा किया सी, मनाया सी, उन्हां दा नाम है माई भागो जी। जी सो इहदा 15वें दा आंसर है ए, माई भागो जी। अगले क्वेश्चन की गल करिए ते पुछा गया दे विच कि जदों टर्बो नहीं है टर्को है, टर्को अफगान रूल जदों सी, ठीक है, उस वेले लोकां दा कीता की सी, केड़ा काम करदे हुंदे सी? सो दा आंसर है जी गैस करो, पंजाब दी गल करिए ते असीं खेती च ही जाने जाने भी। सो दा आंसर एग्रीकल्चर, ठीक है। अगे चलते हैं 17वें क्वेश्चन ते। जी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कौन सी जिन्ने 5 वारी हमला किया भारत ते जे गल करिए पंजाब ते करी कोई गल है, 5 वारी हमला किया सी तो 1525 विच भी उन्हें अटैक किया सी अपनी आर्मी लैके, सो कौन सी? जी
फरगने का रूलर सी, फरगना अफगानिस्तान तो आया सी, उसका नाम है बाबर। सो उसका नाम की है जी, हाँ जी बाबर, पांच बारी हमला किया सी इन्हें, ठीक है। आगे गल करते हैं जी, हु रूल्स ओवर दिल्ली सल्तनत फ्रॉम 1206 टू 1526 जी, एद आंसर मैं दस देनी हाँ, एद आंसर है टर्को अफगान, ठीक है, टर्किश अफगानी सी है, इन्होंने मिल के दिल्ली सल्तनत जरा 1206 लैके 1526 तक चलाया सी। मैं थोड़ा जहाँ का ऑर्डर दस देनी हाँ क्योंकि शायद मैं मौका नहीं मिले, मैं दस देनी हाँ जी, दिल्ली सल्तनत सी ये 5 डायनेस्टीज है सी, टोटल किनिया डायनेस्टी सी, 5 डायनेस्टी सी, मैं थोड़ा जहा दस देनी है। पहली डायनेस्टी का नाम सी स्लेव डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी, ठीक है, गुलाम वंश जिन्हों कहा जाता है। नैक्सट सी सैकेंड सी एद नाम है खिलजी डायनेस्टी, खिलजी अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, अभी दिल्ली सल्तनत के अंडर आया सी सैकेंड। उस तो बाद नैक्सट है तुगलक डायनेस्टी, तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। उस तो बाद फोर्थ डायनेस्टी सी सैयद डायनेस्टी, ठीक है, सैयद डायनेस्टी। पंजवीं डायनेस्टी सी लोधी डायनेस्टी, लोधी, ठीक है। आखिरी राजा सी इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी ते ही बाबर ने अटैक किया सी, ठीक है। पंजाब का गवर्नर सी दौलत खान लोधी, उन्हें बाबर नू सद्या सी कि तू दिल्ली सल्तनत ते लास्ट रूलर जरा इब्राहिम लोधी उते अटैक कर। सो बाबर ने किया सी दौलत खान लोधी ते, दौलत खान लोधी कौन सी, पंजाब का उस वेले गवर्नर सी, उन्हें इनवाइट किया सी। अगे चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन ते जी, क्वेश्चन है वह कि हुमायूं की डैथ तो बाद कलानौर विच, ठीक है, बैरम खान ते सी पर उहदे नाल कौन सी, बहुत आसान है, कलानौर गुरदासपुर च पैंदी है जगह, कलानौर जिथे किहदी ताजपोशी हुई सी, अकबर दी, किहदी ताजपोशी हुई सी, अकबर दी जी, बैरम खान नाम सी, नाल ही सी उहदे। अगे फिर क्वेश्चन आ गया हु वाज बैरम खान जी, बैरम खान कौन सी दस देनी है। बैरम खान जिहड़ा सी वैसे तो बहुत ज़्यादा विश्वास पात्र सी हुमायूं दा, एंड वो अकबर नूं पढ़ांदा भी हुंदा सी, सो ट्यूटर ऑफ अकबर। अगे चलते हैं, अगे आ गया 21वां क्वेश्चन, हेमू जिहदी कि एक बैटल हुई सी, बहुत इंपॉर्टेंट बैटल हुई सी, पानीपत की लड़ाई हुई सी 1556 विच। सो इहदे च क्वेश्चन पूछा गया कि हेमू की लड़ाई किहदे नाल हुई सी, सो ऑप्शन के अकॉर्डिंग लिखा होया अकबर, बैरम खां, हुमायूं, तो लास्ट ऑप्शन हैगी है दोनों नाल, यानी कि अकबर ते बैरम खां नाल। इहदा आंसर मैं दस देनी हाँ, दोनों नाल ही सी, एक्चुअली अकबर बहुत छोटा सी उस वेले, सो बैरम खां ने बहुत मदद की सी अकबर दी, सो दोनों ने मिल के लड़ाई लड़ी, तो हेमू जरा कि उस वेले नॉर्थ इंडिया का हिंदू राजा सी उन्हें हरा दिता सी। अगला क्वेश्चन है विच कैलेंडर इज अडोप्टिड बाय SGPC, यानी कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों किहड़े कैलेंडर नूं अडोप्ट किया गया है जी, इहदा बहुत ही आसान होएगा, नानक शाही। अगे क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन है, माता सदा कौर चीफ जिहड़ी सी ओह किहड़ी मिसल तो बिलोंग करती सी, हाँ जी ये क्वेश्चन थोड़ा जहा कन्फ्यूज करन वाला वा, मैं थोड़ा दस दिनी है, इतने क्वेश्चन यह पूछा गया वा कि केड़े मिसल दी ओ चीफ सी, सो ये जे तो असी गल करिए माता सदा कौर की, तो कन्हैया मिसल नाल बिलोंग करती सी, ठीक है, तो जे अगे गल करिए चीफ किहदी सी, सो शुकर चक्किया मिसल दी जी, ये आंसर आएगा शुकर चक्किया मिसल, शुकर चक्किया मिसल किहदी सी, पता सबनों शुकर चक्किया मिसल सी महाराजा रणजीत सिंह दी, वैसे कन्हैया मिसल तो बिलोंग करदी सी पर चीफ दी गल पुछी है ते शुकर चक्किया मिसल। अगे आ गया क्वेश्चन हु वाज मदर इन लॉ महाराजा रणजीत सिंह जी, जिवें कि मैं हुणे दस्या वै मदर इन लॉ सी माता सदा कौर जिहड़ी कि शुकर चक्किया मिसल दी चीफ भी सी, एंड कन्हैया मिसल तो बिलोंग करदी सी, महाराजा रणजीत सिंह दी वाइफ सी महताब कौर, सो उहदी मदर सी, ठीक है। अगे चलते हैं, सो 25वां क्वेश्चन आ गया, दिलीप सिंह, महाराजा दिलीप सिंह, महाराजा रणजीत सिंह दे की लगते सी, बहुत सौखा क्वेश्चन है, तो सबनों पता होना चाहिए, दिलीप सिंह उन्हें दे पुत्र सी, सन। अगला क्वेश्चन हु वाज द मदर ऑफ महाराजा दिलीप सिंह जी, दिलीप सिंह दी मदर कौन सी, ये क्वेश्चन ईजी है,
ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਗੈਸ ਕਰੋ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਾਈਫ ਸੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ। ਅੱਗੇ ਕੁਸਚਨ ਤੇ ਚਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਾਈਵੇਂ ਕੁਸਚਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ। ਵਟ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਨੇਮ ਆਫ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਗੈਸ ਕਰੋ, ਲਕਸ਼ਮਣ ਦਾਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਫਿਰ 28ਵੇਂ ਕੁਸਚਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਚੱਪੜਚਿੜੀ, ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਵਾਰੀਅਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਜੀ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਬਦਲੇ ਲਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ। ਸੋ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਸਰਹਿੰਦ ਦੇ ਰਾਜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ? ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਉਹ ਯਾਦ ਹੈ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ 28ਵੇਂ ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ। ਅਗਲੇ ਕੁਸਚਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ, 29ਵਾਂ ਕੁਸਚਨ। ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਜ਼ ਓਰੀਜਨਲ ਨੇਮ ਵਾਸ ਤਿਆਗ ਮੱਲ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰਸ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਸਚਨ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਰਥਿਵ ਦੇਹ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਭ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਸਚਨ ਆਇਆ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਰਹਿੰਦ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਮੁਗਲ ਰੂਲਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਅਸਲੇ ਮੁਗਲ ਰੂਲਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਅਗਲਾ ਕੁਸਚਨ, ਹੂ ਬਿਲਟ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਿੱਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਰਦਾਰ ਭਗੇਲ ਸਿੰਘ, ਭਗੇਲ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, 33ਵੇਂ ਕੁਸਚਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ। ਸੋ 33ਵੇਂ ਕੁਸਚਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ, ਹੂ ਵਾਜ਼ ਚੀਫ ਐਡੀਟਰ ਆਫ ਗਦਰ ਪੇਪਰ? ਗਦਰ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਸੀ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਚੀਫ ਐਡੀਟਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਸੀ। ਐਂਡ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗਦਰ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ, ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? 15 ਜੁਲਾਈ 1913 ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ, ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਅਮੈਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਗਦਰ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਛਪਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਸਚਨ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜੀ, ਬੈਟਲ ਆਫ ਅਟਕ, ਬੈਟਲ ਆਫ ਨਸ਼ੇਰਾ ਅਤੇ ਬੈਟਲ ਆਫ ਜਮਰੂਦ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਟਲਸ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੋ ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਆਲ ਦੀ ਅਬਵ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੈਟਲ ਆਫ ਜਮਰੂਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ, ਸੋ ਇਹ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਸੀ 35ਵੇਂ ਕੁਸਚਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਕੁਸਚਨ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਡਿਕਲੇਅਰ ਫਸਟ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਇਨ ਈਅਰ 1845, ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ? ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਸਚਨ, ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਸਿਸਟਮ ਵਾਜ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਡਿਊਰਿੰਗ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਜੀ? ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਮਹਲਵਾੜੀ ਸਿਸਟਮ। ਮਹਲ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮਹਿਲ ਵਰਡ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮਹਲ ਵਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪਿੰਡ, ਗਾਂਵ। ਸੋ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਹਿਲਵਾੜੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਰਡ ਹੈਸਟਿੰਗਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕੁਸਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਲਾਰਡ ਹੈਸਟਿੰਗਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣਾ ਵੈ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹਨੇ ਹੀ ਦੇਣਾ ਵੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਸਾਣਾ ਵੀ ਸੀ ਵੈਸੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਲਵਾੜੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੌਂਡਿਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
महलवाड़ी सिस्टम ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੀ ਆ। 36 ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਸਿਸਟਮ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਮਹਿਲਵਾੜੀ ਸਿਸਟਮ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਲਾਰਡ ਹੈਸਟਿੰਗਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਮਹਿਲ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ, ਮਹਿਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਗਾਂਵ, ਵਿਲੇਜ, ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵਿਚੋਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਜੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੋਇਤਵਾੜੀ ਸਿਸਟਮ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਰੋਇਤਵਾੜੀ ਸਿਸਟਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਖੁਦ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਟਾਈ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਟਾਈ ਸਿਸਟਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਫਸਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਬਟਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਖੇਤ ਵੰਡ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬਟਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅਨਾਜ ਤਿਆਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬਟਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬਟਾਈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਟਾਈ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੰਡਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਤਿੰਨੋਂ ਦੱਸਦੇ ਮੈਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। 37th ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਹੂ ਵਾਸ ਕਮਾਂਡਰ ਆਫ ਸਿੱਖ ਅੰਪਾਇਰ ਡਿਊਰਿੰਗ ਬੈਟਲ ਆਫ ਚਿਲੀਆਂ ਵਾਲਾ। ਜੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਟਲ ਹੋਈ ਸੀ ਚਿਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਦੀ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਂਡਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਏ ਆਪਸ਼ਨ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਾ। ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਦ ਬੈਟਲ ਆਫ ਚਿਲੀਆਂ ਵਾਸ ਪਾਰਟ ਆਫ ਵਿੱਚ ਬੈਟਲ, ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੈ ਕਿਹਦਾ ਪਾਰਟ ਸੀ ਇਹ, ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਗਲੋ ਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦ ਟ੍ਰਿਕ ਹੈ ਬੈਟਲਸ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਬੈਟਲਸ ਵਾਲਾ, ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰਸ ਵਾਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, 39th ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਹੂ ਕੰਡਕਟਿਡ ਦਾ ਕੋਰੋਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ, ਏ ਆਪਸ਼ਨ। ਅਗਲੀ ਹੈ, ਆਲੂ ਵਾਲੀਆ ਮਿਸਲ ਵਾਜ ਨੇਮਡ ਆਫਟਰ ਹੂਮ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਲੂ ਵਾਲੀਆ ਮਿਸਲ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਜੀ, ਨਾਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਹੀ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂ ਵਾਲੀਆ। ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ, 41 ਕੁਐਸਚਨ, ਅਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਦਈਏ। 41 ਕੁਐਸਚਨ, ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਬਿਲਟ ਏ ਫੋਰਟਰੈਸ ਐਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਾਲਡ ਲੋਹਗੜ੍ਹ। ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਫੌਟ ਦਾ ਬੈਟਲ ਆਫ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ। ਜੀ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ, 43rd ਕੁਐਸਚਨ, ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਟੀ ਵਾਜ ਸਾਈਨਡ ਐਜ ਏ ਆਫਟਰ ਮੈਥ ਆਫ ਦ ਫਸਟ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੀ ਟ੍ਰਿਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਜੀ, ਉਦੋਂ ਟ੍ਰਿਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਟ੍ਰਿਟੀ ਆਫ ਲਾਹੌਰ, ਟ੍ਰਿਟੀ ਆਫ। 43rd ਕੁਐਸਚਨ, ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਟੀ ਵਾਜ ਸਾਈਨਡ ਐਜ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਮੈਥ ਆਫ ਦ ਫਸਟ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰਿਟੀ ਆਫ ਲਾਹੌਰ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਟੀ ਵਾਜ ਸਾਈਨਡ ਬਿਟਵੀਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅੰਡਰ ਲਾਰਡ ਮਿੰਟੋ, ਨਾਮ ਦੇਖਿਓ, ਲਾਰਡ ਮਿੰਟੋ ਐਸ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਐਂਡ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਨ 1809। ਜੀ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰਿਟੀ ਆਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਜੀ, ਲਾਰਡ ਮਿੰਟੋ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਸੀ? ਚਾਰਲਸ ਮੈਟਕਾਫ। ਦੋਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੇ ਮੈਂ, ਪਿਛਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਸੀ, ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲਾਰਡ ਮਿੰਟੋ ਸੀ ਐਂਡ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਸੀ?
लॉर्ड मेटकाफ। अगे चलते हैं 45th क्वेश्चन पे आ गए। हु वाज द लास्ट महाराजा ऑफ सिख एम्पायर? जी पहले तो मैं पिछली ऑप्शंस इरेज कर दूं। 45th क्वेश्चन, हु वाज द लास्ट महाराजा ऑफ सिख एम्पायर? एद आंसर है पता ही होना चाहिए सबनों, महाराजा दिलीप सिंह, महारानी जिंदा ते महाराजा रणजीत सिंह का सब तो छोटा बेटा महाराजा दिलीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिसल वाज नोट द पार्ट ऑफ ओरिजिनल ग्रुप ऑफ मिसल्स? वैसे तो 12 मिसल सी पर एक मिसल जड़ी है वो जी भी सी जिन्हों एज ए मिसल कंसीडर नहीं सी किता जांदा। जी वो सी फुलकिया मिसल, चौधरी फुल ने फाउंडेशन कीती सी दी। ठीक है अगे चलते हैं 47 क्वेश्चन, बर्थ प्लेस ऑफ महाराजा रणजीत सिंह? जी 47 क्वेश्चन, बर्थ प्लेस ऑफ महाराजा रणजीत सिंह गुजरांवाला, बिल्कुल सही आंसर है दा गुजरांवाला। अगला क्वेश्चन, महाराजा रणजीत सिंह दी जड़ी आई साइट गई सी ओ केड़ा रोग केड़ा होया सी उन्होंने बचपन च होया सी उन्होंने? जी इहदे कंफ्यूजन हो जाती है पर मैं दस दिनी है, चेचक हो गई सी उन्होंने स्मॉल पॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी लिटरेचर का एक क्वेश्चन आ गया जी, वैन वाज भाई वीर सिंह बॉर्न? रिपीट कर रही है 49 क्वेश्चन, वैन वाज भाई वीर सिंह बॉर्न, इन्हों का जन्म कदों होया सी? सो इन्हों का जन्म होया सी मैं दस दिनी हाँ, 5 दिसंबर 1872 होया सी। ठीक है तो एक और मैं इन्होंने बारे दस दिनी हाँ, भाई वीर सिंह जिन्हों वर्ड्सवर्थ ठीक है एक इंग्लिश पोइट हुए ने, सो वर्ड्सवर्थ ऑफ पंजाबी लिटरेचर क्या जाता है भाई वीर सिंह जी ने। तो लास्ट क्वेश्चन तो आप पूछ गए हाँ, वेयर वाज द स्कूल ऑफ फिरोज शाह सिचुएटिड? अरे तो असी ऑप्शन से तुक्का नहीं मारना मैं दस दिनी हाँ, यद आंसर हैगा सही फरीदाबाद। सो ए ही अज तुम एम सी क्यूज 50 करवा चुकी हूँ मैं, सो आस है तुम एक क्वेश्चन जड़े है वैसे तो आते हो गए, जो नहीं आए बच्चों तो जरूर पिछले लैक्चर जरूर देखना तुम काफ़ी क्लीयर हो जाएगा, पूरा पंजाब की हिस्टरी करवा चुके हैं आप। सो एम सी क्यूज़ में ध्यान न पढ़ियो दोबारा तो देख लियो, जो तुम यह लैक्चर अच्छा लगा वै इनू लाइक करो शेयर करो ठीक है, साढ़े चैनल में सबसक्राइब भी करो। बहुत बहुत धन्यवाद।